तो गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कॉन्करर पॉइंट के रियलिटी के बारे में, क्योंकि भाई बहुत लोग भाई परेशान हो गए कि भाई टॉप 100 में जो बंदे बैठा हुआ है उनका तो आप सबसे पहले तो पॉइंट देख लो कि कितना पॉइंट हो रखा है। तो इन पॉइंट को देख के ना लोग सोच रहे हैं कि भाई इतना तो चीटर लोग आ रहा है, प्लस तो मिल नहीं रहा। फिर लोग सोचते हैं कि भाई इस सीजन तो रैंक पुश करना छोड़ ही देते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन भाई कॉन्करर के पॉइंट के बारे में ना पूरा एकदम आपको रियलिटी बताने वाला हूँ कि कितना पॉइंट पर आपको एग्जैक्ट कॉन्करर मिलने वाला है और कितना रैंक आना पड़ता है कॉन्करर के लिए। क्योंकि टॉप 100 का आपको तो मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ कितना ज़्यादा पॉइंट हो चुका है, तो टॉप 500 के अंदर अगर आपको आना है या फिर कितना रैंक पे आने से आपको कॉन्करर मिलेगा वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अभी के टाइम पे कितना पॉइंट पे आपको कॉन्करर मिलेगा वो सारी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसलिए तैयार इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में जितना भी रैंक पुश लोग हैं। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो पॉइंट दिखा दूँ कि स्क्वाड के अंदर कितना पॉइंट पे आपको अभी टॉप 100 मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो तो 7400 पॉइंट पे आपको टॉप 100 मिल रहा है। मतलब कि देखो अगर आपको कॉन्करर चाहिए ना तो आपको टॉप 500 के अंदर आना पड़ता है, मतलब कि टॉप 500 के अंदर आना पड़ता है, तब जाके आपका रैंक मतलब कि वो कॉन्करर में बदल जाता है। मतलब कि कल मान लो कि आप पूरा सुबह रात खेल के फिर जैसे ही छोड़ दोगे उसके बाद फिर जैसे ही सुबह उठ के देखोगे सुबह 5:40 AM पे ना आपका कॉन्करर हो जाएगा। मान लो कि आपका 400 रैंक चल रहा है, 300 रैंक चल रहा है, तभी होगा। अगर आप लोग 501 रैंक पे चल रहे हो ना फिर भी आपका कॉन्करर नहीं लेगा क्योंकि 500 के अंदर रहना पड़ता है। भले आप लोग 500 रैंक पे हो ना फिर भी आपका कॉन्करर हो जाएगा, लेकिन 500 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 500 से नीचे रहेगा तभी आपका कॉन्करर होगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना यहाँ पर देखो तो कि 7400 पॉइंट पे टॉप 100 मिल रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इससे थोड़ा बहुत 50 पॉइंट कम होगा टॉप 500 के लिए, तो भाई ऐसा नहीं है, आपको मैं रियलिटी बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो आप लोग डुओ का भी पॉइंट देख लो कि डुओ में कितना पॉइंट पे कॉन्करर मिल रहा है। तो भाई डुओ में भी बहुत ही पॉइंट पे कॉन्करर मिल रहा है जबकि इसका रियलिटी कुछ और ही है। यहाँ पर देख सकते हो कि 6009 पॉइंट पे टॉप 100 मिल रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई 6000 पॉइंट मुझे करना पड़ेगा, तो भाई ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ इसका रियलिटी। इसमें आप लोग देख लो कि 6000 पॉइंट पे कॉन्करर मिल रहा है, ठीक है, आप लोग सब कुछ याद रखना। अब यहाँ पर मैं आपको सोलो का भी दिखा देता हूँ। सोलो में देख सकते हो कि भाई इसमें मिल रहा है 5400 पॉइंट पे टॉप 100, मतलब कि भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मुझे 5400 पॉइंट पे ही कॉन्करर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको मैं इसका रियलिटी बताता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई कहाँ पे आपको शो करेगा कि आज के दिन कितना पॉइंट पे आपको कॉन्करर मिलेगा। सबसे पहले तो गाइस आपको सीजन के अंदर जाना है और सीजन के अंदर जाने के बाद ना आपका जिसमें जैसे कि सोलो में आप सेलेक्ट कर लोगे या फिर डुओ में सेलेक्ट कर लोगे या फिर स्क्वाड में सेलेक्ट कर लोगे तो उस चीज़ का आपको पॉइंट देखना है ना कि कितना पॉइंट पर आज के दिन कॉन्करर मिलेगा, या फिर आपको आज के दिन कॉन्करर के लिए 500 रैंक करना है तो आपको कितना पॉइंट पर 500 रैंक आ जाएगा, मिनिमम पॉइंट कितना है। तो ये जो आपको डायमंड का लोगो दिख रहा है ना इसमें क्लिक करोगे बस एक बार, तो उसमें क्लिक करने के बाद ये चीज़ आपको शो हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हो कॉन्करर मिनिमम पॉइंट्स, तो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि भाई आज का मिनिमम पॉइंट कितना है। और ये जो पॉइंट होता है ना ये डेली यहाँ पर चेंज होता रहता है मिनिमम पॉइंट, मतलब कि 24 घंटे बाद ये चेंज होता रहता है। जैसे कि आज सुबह 5:40 AM पे चेंज हो गया एक बार, फिर कल जाके 5:40 AM पे फिर से चेंज होगा और थोड़ा सा पॉइंट बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा भाई कितना पॉइंट पे आज के दिन कॉन्करर मिल रहा है। तो यहाँ पर टॉप 100 वाला जो बंदा बैठा हुआ ना सोलो के अंदर, तो वो बंदा बैठा हुआ है भाई 5415 पॉइंट, मतलब कि 5415 पॉइंट पे ये बंदा टॉप 100 पे बैठा हुआ है। लेकिन इसका रियलिटी क्या है यहाँ पर देखो तो मिनिमम पॉइंट आपको लगने वाला है 5200 पॉइंट आपको आसपास लगने वाला है। मतलब कि आपको मान के चलो कि 5180 पॉइंट तक आपको कॉन्करर आराम से मिल जाएगा क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 400 या फिर 500 रैंक पे आना है तभी आपका कॉन्करर हो जाएगा, क्योंकि 500 रैंक पे आना पड़ता है और आपको कॉन्करर फिर मिलता है। तो आपको तो सिर्फ और सिर्फ 300 या फिर 350 या फिर 400 रैंक पे छोड़ दोगे ना फिर भी आपका आराम से कॉन्करर लग जाएगा। तो यहाँ पे 200 पॉइंट का फर्क आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर दिखाते हैं भाई आपको डुओ के अंदर कि भाई डुओ के अंदर कितना पॉइंट का फर्क है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख लो कि क्राउन पे मेरा टीयर चल रहा है क्योंकि मैंने इस सीजन रैंक पुश किसी और आईडी में किया था और वो भी 3-4 आईडी में अभी तक कर चुका हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि डुओ में देख सकते हो कि मेरा क्राउन टीयर पर क्लिक किया है तो इसमें दिख रहा है मुझे अब 5790 पॉइंट पे कॉन्करर मिल रहा है। मान के चलो कि 5800 पॉइंट पे आज कॉन्करर मिल रहा है, लेकिन भाई यहाँ पर देखो अब टॉप 100 पे जो बंदा बैठा हुआ ना इसका कितना पॉइंट हो चुका है भाई 6000 पॉइंट हो चुका है डुओ के अंदर। तो भाई देख रहे हो टॉप 100 पे जो बंदा बैठा हुआ उसका 6000 पॉइंट पे टॉप 100 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो कि कॉन्करर मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको 5800 पॉइंट पे। अगर आप लोग आज करोगे कॉन्करर आपको 5800 पॉइंट तक मिल जाएगा आराम से। अब यही चीज़ मैं आपको स्क्वाड में भी दिखाता हूँ कि स्क्वाड में कितना पॉइंट है। यहाँ पर देख सकते हो कि स्क्वाड में कितना पॉइंट है, स्क्वाड में 6815 पॉइंट पे टॉप 500 मिल रहा है, मतलब कि आपको कॉन्करर मिलेगा मिनिमम पॉइंट इतना लगने वाला है और इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा पॉइंट करोगे तो आपका
300 या फिर 400 रैंक आ जाएगा, फिर आपका कॉन्करर आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते कि इसमें मिल रहा है 6800 पॉइंट, लेकिन यहाँ पर आपको रियलिटी दिखाता हूँ कि भाई टॉप 100 पे जो बंदा बैठा हुआ ना, वो बंदा कितना पॉइंट पे बैठा हुआ है। तो भाई इस चीज़ आप लोग देख लो कि यार कितना ज़्यादा फर्क है स्क्वाड के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो तो भाई ये बंदा बैठा हुआ है 7400 पॉइंट, मतलब कि कहाँ 6800 पॉइंट पे कॉन्करर मिल रहा है और कहाँ यहाँ पे 7400 पॉइंट दिख रहा है, मतलब कि मान के चलो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का फर्क दिख रहा है। तो आप लोग अगर टॉप 100 को देख के ना आप लोग ये जज कर रहे हो कि भाई इतना पॉइंट पे कौन करें मिलेगा, तो भाई ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्क्वाड में तो भाई 600 पॉइंट का फर्क दिख रहा है, मतलब कि 6800 पॉइंट पे कौन करें मिल रहा है स्क्वाड के अंदर। मिनिमम पॉइंट 6850 या फिर 40 पॉइंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है भाई 7400 पॉइंट, मतलब 7400 पॉइंट पे टॉप 100 पे बैठा हुआ है। तो लोग सोचते हैं कि भाई इतना पॉइंट मुझे करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको भाई सिर्फ और सिर्फ 6840 या फिर 50 पॉइंट तक करना पड़ेगा तो आपका कॉन्करर हो जाएगा स्क्वाड के अंदर। और डुओ के अंदर भी मैंने दिखा दिया कि आपको 5800 पॉइंट पे कॉन्करर मिल जाएगा। अगर आप लोग सोलो में कॉन्करर कर रहे हो तो फिर आपको 5200 पॉइंट तक आपको आराम से मिल जाएगा। तो इतना ज़्यादा फर्क होता है अगर आप लोग टॉप 100 को देख के आप लोग जज कर रहे हो और उसमें आप लोग देख के यार डिमोटिवेट हो रहे हो कि भाई बहुत ज़्यादा पॉइंट चला गया है, अभी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको पता करना है कि कितना पॉइंट पे कॉन्करर मिलेगा आज, तो भाई सीजन पे जाओ और किसी भी टियर को सेलेक्ट करके ना, डुओ सोलो किसी भी टियर को सेलेक्ट करके उसके बाद फिर उसमें क्लिक करो डायमंड, जो भी आप जिस भी टियर पे हो डायमंड इसमें हो तो उसमें क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा भाई कि मिनिमम पॉइंट कितना है और आज के दिन कितना पॉइंट पे कॉन्करर मिल रहा है। तो आई होप कि गाइस आप लोग समझ गए होंगे कि भाई कितना पॉइंट पे आज के दिन कॉन्करर मिल रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलो फिर गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।